बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर के परिवार के खिलाफ बीएसपी के प्रदर्शन के विरोध में पार्टी के दो विधायकों ने बगावत कर दी। दोनों विधायकों को मायावती ने सस्पेंड कर दिया है। बीएसपी विधायक रोमी साहनी और ब्रजेश वर्मा ने दयाशंकर के खिलाफ बीएसपी के प्रदर्शन पर एतराज जताया। साथ ही दोनों ने मायावती पर करोड़ों रुपए लेकर टिकट की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। जो नारे लगाए गए उससे हम दोनों विधायक शर्मसार ही नहीं हुए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा तुम लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ लीजिएगा, तब मुझे लगा कि पार्टी की मंशा हम दोनों लोगों के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि जो बात एक ही आपसे मांगा गया बलिया विधायक से कही गई वही बात मुझसे कही गई, मुझे 4 करोड़ रुपए कहा गया। यूपी के बलिया में बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह के समर्थकों ने मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ बंद का ऐलान किया। इससे पहले मायावती को अपशब्द कहने पर बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह को झारखंड के देवघर में देखा गया। दयाशंकर सिंह देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर में दोस्तों के साथ देखे गए। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 3 दिन पहले की है। दयाशंकर के देवघर में देखे जाने के बाद मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी दयाशंकर सिंह को बचा रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और बीजेपी ने उसको बचाने के लिए उसको उसके प्रोटेक्शन में उसको भाजपा शासित राज्य में। डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए रेसलर नरसिंह यादव के माता पिता ने अनशन की घोषणा की है। दोनों ने नरसिंह को न्याय मिलने तक अन्न का दाना तक नहीं खाने का ऐलान किया। मैं यही विनती करने यही मांग रहे हैं कि मेरे बेटों को भेजना चाहिए। ये साली सुई कि मेरे बेटा को खाना में दवा दिया गया है। बिना निर्णय का प्रवीण नाना नहीं जाना चाहिए ना, यदि जाएंगे तो इसके बारे में बहुत होएगा कुछ। अखलाक के परिवार ने मथुरा की लैब से आए मांस की रिपोर्ट के बाद आज एडीजी से मुलाकात की। मथुरा लैब की रिपोर्ट के मुताबिक अखलाक के घर गोमांस मिला था। अखलाक के परिवार के वकील ने फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। ये जब FIR इनके फैमिली पर दर्ज हुई है, अखलाक की फैमिली पर, उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि जो जिन चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में छोड़ दिया गया था उन पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। आगरा में इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद गुस्साए रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। 11 साल के निशांत को बुखार हो गया था और इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अब परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यहां ICU में तालाबंद कर दिया जाता है ताकि मरीज दूसरी जगह ना जा सके। अस्पताल पर अनट्रेंड स्टाफ से इलाज कराने का भी आरोप लगा है। डॉक्टर की लापरवाही, जो सुनील अग्रवाल के ट्रीटमेंट में था, उनका आज तक कोई किसी भी पर्चे पर दस्तखत नहीं है, उनकी लापरवाही के कारण मेरे पोते की डेथ हुई है। हरियाणा के यमुनानगर में नदी के बीच बने टापू पर फंसे 8 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाया। पहाड़ों पर बरसात के बाद हथनी कुंड बैराज से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अचानक यमुना का पानी बढ़ गया। नदी के बीच बने टापू पर फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। उत्तराखंड के पौड़ी से जान जोखिम में डालकर बच्चों के स्कूल जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही अलकनंदा नदी को रोज बच्चे रोपवे ट्रॉली से पार करते हैं। ऐसा करते हुए बच्चों को डर भी लगता है, लेकिन इनके पास नदी पार करने का कोई और रास्ता नहीं है। नेपाल में बारिश के बाद नदियों में बढ़े पानी ने यूपी के सिद्धार्थ नगर में तबाही मचा दी। बाणगंगा और बूढ़ी राप्ती नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। शहरतगढ़ के पास बांध कट जाने से दर्जनों गांव में पानी घुस गया। हजारों एकड़ की फसल भी बर्बाद हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF ने अब तक करीब 140 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। भारी बारिश के बाद बादल फटने से उत्तरकाशी में रातों रात खेत और बगीचे नाले में तब्दील हो गए। मंगलवार रात अस्सी गंगा घाटी की 7 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बह गई। गांव वालों का आरोप है कि अब तक उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। भारतीय रेलवे ने मथुरा से कोसी के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन टेल्को का एक और ट्रायल लिया है। रेलवे ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने का ट्रायल लिया ताकि इमरजेंसी के दौरान बिना किसी हादसे के ट्रेन को रोका जा सके। 9 जुलाई से मथुरा पलवल ट्रैक पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन टेल्को का ट्रायल चल रहा है।